ये तो पोर्ट के बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से लेफ्ट जा करके निकल के ही बाहर है। इतनी तो नजर ही नहीं आ रहा, कचरा भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, कितने मेंटेन करके रखा है इन लोगों। वो सामने ही अल्कुडिया बीच है अपना, वहाँ से निकल। स्पेन है या गोवा है? अल्कुडिया ये बीच आ गया अपना गोवा का, बागा बीच आ गया, बागा बीच। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। पोर्ट पर आ गए हैं कार्थेगेना स्पेन के अंदर में। अब हम लोग बाहर जाएंगे घूमने, तो एजेंट को हमने बोल दिया है टैक्सी आने वाली है 12:30 बजे का टाइम है, जब तक के लिए हम लोग रेडी होते हैं। आप वीडियो में बने रहे, लास्ट तक बने रहे, दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सारा का हम कंप्लीट, अब हम निकलते हैं और चलते हैं बाहर, गाड़ी आने वाली है, निकलते हैं यहाँ से। हम लोग रेडी हो गए, अभी हम निकलते हैं यहाँ से फटाक से और जाते हैं बाहर की तरफ। हम कुछ 6-7 लोग बाहर जा रहे हैं सबके सब। हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग, लेट्स गो बनी, लेट्स गो। सो व्हाई यू नॉट कम? जो इंडियन मैच जूते ना, तो सीन ऐसा है कि अभी हम लोग निकल गए हैं जल्द से, और वो हमारा पीछे शिप खड़ा है। और अभी हम लोग जो है जाने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ का बीच है पास में ही, पहले वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में हम लोग चलेंगे। और ये मेरी टीम। तो गाइस अभी हमको पहले यहाँ पर ढूंढना है अपना मनी एक्सचेंज, क्योंकि हम लोग के पास में सिर्फ US डॉलर्स पड़े हैं और यहाँ पर चलते हैं यूरोस को, वो एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज करवा के फिर हम लोग जाएंगे अपना शॉपिंग्स पे, शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करने के बाद एक बीच है पास में, उस बीच में चलेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम आए वेस्टर्न यूनियन में, ये हमारे कुछ 500 मीटर की दूरी पे ही था, और ये वाला क्लोज हो गया है परमानेंटली। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे, वो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, तो बाय वॉक ही निकल रहे हैं। मौसम अच्छा हो रखा है, यूरोप की सड़कों भी देख लेंगे, और यूरोप की सड़कों पर घूमते हुए पैदल ही निकलते हैं। तो यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी था, आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप करके, लेकिन मैंने कहा जो मज़ा पैदल में है वो कहीं नहीं है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना, तो इसलिए हम आ गए पैदल पैदल। तो सबसे प्यारा लगता है ना इनकी गाड़ियों के नंबर। तो गाइस हुआ ये कि हमारे साथ हो गया पोपट, अब हम लोगों को लगा था यहाँ पर है लेकिन वो बंद है वेस्टर्न यूनियन, अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, मे बी वो खुला होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना देशों के अंदर में यही आती है कि आपको पास में ना लोकल करेंसी होनी चाहिए। तो हुआ ये, हम लोग वहाँ पे पहुँचे और मनी एक्सचेंज जो था वो 2:30 बजे ही बंद हो गया था, हम लोग 10 मिनट लेट पहुँचे वहाँ पर, और 2:30 को क्लोज हो गया था। और पता चला कि वो सिर्फ ट्रांसफर के लिए है, मनी एक्सचेंज नहीं करता ऐसा ये लोग बोल रहे थे, और कोई बोल रहा था करके कि मनी एक्सचेंज भी होता है, पता नहीं। तो किसी ने बोला है कि उधर आप जाओ बीच के पास में, पेट्रोल स्टेशन है उसके पास में है एक शॉप मनी एक्सचेंज का, तो आप वहां से शायद हो जाए। तो अभी हम बीच के पास ही चलते हैं सीधा, देखते हैं वहां पे क्या होता है।
बाकी मनी एक्सचेंज नहीं हुई, लेकिन जगह बहुत प्यारी, बहुत प्यारी जगह, पोलाइट लोग है बहुत ज्यादा, मतलब कोऑपरेटिव है हर चीज में, मतलब आप जिनसे कुछ भी पूछो रुक के तसल्ली से रिप्लाई देते हैं। आ गए अपने बीच पर, और ये बीच ना हमारा न्यू टाउन में पड़ता है उसके अल्कोडिया के। अब ये हो गया न्यू टाउन अपना, और इसके पीछे जहाँ हम अभी हम मनी एक्सचेंज के लिए गए थे वो अपना ओल्ड टाउन था। तो हम लोग तो उनके आगे मनी एक्सचेंज के चक्कर में अभी पूरी की पूरी मार्केट बनती है, तो दोबारा जाने का कुछ मन भी नहीं कर रहा, और शाम के 4:30 भी हो गए, तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो गया मनी एक्सचेंज के चक्कर में। नेक्स्ट टाइम पे एक चीज़ करना है कि ना अपना किसी भी पोर्ट पे या फिर सीमेंस क्लब्स में जाकर के ना डायरेक्ट पैसे एक्सचेंज करवा के ले आओ, वो बेस्ट है। तो न्यू टाउन में ये न्यू टाउन में थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, क्योंकि चल चल के भी थकान बहुत हो गई अब। तो गाइस बीच से तो अब निकल गए हम, और यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, तो ये वाला साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड बता रहा है इस ताकि मैरीटाइम ना, मतलब मरीटमा बोलते हैं लोग, लेकिन मैरीटाइम वो अपना पोर्ट के लिए बता रहा है कि यहाँ से ये वाला रास्ता आपका अंदर के लिए जा रहा है, और यहाँ से आप अपने शिप के पास में जा सकते हैं। तो अब बेसिकली ये अपने तो पोर्ट के बिल ना एक आइलैंड है, अब ये आइलैंड है, मुझे तो यहाँ पर ना गोवा जैसी फील आई सच बताऊँ तो। लेकिन है प्लेस अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया है, कैफेटेरिया है, सारी चीज़ें हैं, लोग पोलाइट हैं, सब कुछ है, लेकिन ना मतलब वो फील नहीं आ रही थी, वो किक नहीं मिल रही थी ना यहाँ पे घूमने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ये एक इन्होंने एक तो ये आइलैंड टाइप का है थोड़ा सा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कुछ खास नहीं, 20,000 की पॉपुलेशन है ना, ज़्यादा पब्लिक है। और फ़र्क क्या है कि पीछे ओल्ड टाउन है, इधर न्यू टाउन है, ये अल्कुडिया इनका बीच है, और कुछ पीछे पीछे यहाँ पे साइड में चर्चेस है बस, इसके अलावा इधर कोई टूरिस्ट स्पॉट भी ज़्यादा नहीं है। तो इन्हीं में घूम लो, इन्हीं में कर लो, खेल लो जो करना है। तो खैर मुझे तो यहाँ पर ना गोवा जैसी फील आई यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बाकी अभी हमारा नेक्स्ट पोर्ट तो इधर नाडोर मोरक्को में पड़ रहा है, तो वहाँ पर तो जाना हमको इंडियंस के लिए, मेरे पास में सेंगेन वीज़ा है नहीं, तो वहाँ पे तो जा नहीं पाऊँगा। लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि हम लोग शायद US गल्फ जा रहे हैं, और US गल्फ चले जाएंगे तो मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि और US में मैंने पहले भी बहुत ट्रैवल कर रखा है, तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग चैनल था नहीं, लेकिन हाँ मज़ा आएगा वहाँ पर जाने में। तो गाइस यार मनी एक्सचेंज तो हुई नहीं हमारी, और ये लोग यहाँ पर डॉलर एक्सेप्ट ही नहीं करते, इनको सिर्फ यूरो से मतलब है, यूरो दो और यूरो लो, बाकी कार्ड स्वैप हो जाता है और कार्ड से पेमेंट कर लो। लेकिन वही ये कार्ड में फिर ना एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ पर स्वैपिंग के, तो इसके लिए एक्सचेंज बेटर ऑप्शन है। तो ये एक तो ये ना मुझे लॉजिकली बताऊँ तो मुझे तो विशाल मेगा मार्ट लगा, हाँ, क्योंकि इसके अंदर मतलब 4-5 ब्रांड के मिला करके इन्होंने एक ये बना रखा है शॉप, और एक्सपेंसिव बोलोगे ना मतलब कि दुनिया भर का एक्सपेंसिव है यार, मतलब एक एक टी शर्ट जो है 10,000-12,000 रुपये की है, मतलब एक एक ट्राउज़र की कीमत 22,000 रुपये खाली एक ट्राउज़र, जिसमें पैंट भी इंक्लूड नहीं है, टी शर्ट भी इंक्लूड नहीं है, मतलब बाय गॉड इतना एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑफ ओनली द ओनली रीज़न टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस हर जगह यही सीन है, आप चाहे मनाली चले जाओ, आप चाहे गोवा चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप कहीं पर भी जाओगे ना टूरिस्ट प्लेस में, तो आपको नॉर्मल सी बात है यार महंगा तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे भी ना वही सीन है, सेम महंगा एक्सपेंसिव दुनिया भर का है एक एक चीज़, मतलब अभी एक मैंने ट्राउज़र देखा उसकी कीमत 22,000 रुपये, 220 यूरो, 230 यूरो, 250 यूरो, वो जो अपने उधर 10-10 रुपये के वो जो ईयर रिंग्स वगैरह और अपने हैंड ब्रेसलेट वगैरह मिलते ना, उनकी कीमत यहाँ पे 40 यूरो है। मैं तो सोच रहा हूँ करके वहाँ से ला करके ना यहाँ पे इसी चीज़ का ही बिजनेस कर लो, लेकिन क्या फ़ायदा, पूरे दिन में एक भी नहीं बिकेगा, हमारे जैसे तो कोई ख़रीदने वाले भी नहीं है जिनको पता है ये चीज़ें। लेकिन बस प्यारी चीज़ यही है ना कि ठीक है यार, मतलब ना लोग पोलाइट है यार, लोग हमारे वहाँ के भी पोलाइट है इंडिया के। बाकी मुझे तो एवरेज ही लगा ये प्लेस, और सबसे बेस्ट प्लेस तो मुझे खाली एक गोवा के नाम पे रजिस्टर्ड कर दिया मैंने इसको, कि मुझे तो एक गोवा जैसी फील दे रहा है। हम चलते हैं बाहर को। तो गाइस आ गए अपने शिप के पास में वापस पोर्ट पर,
और ये चीज कंफर्म हो गई कि आज के बाद यूरो या लोकल करेंसी आप जहाँ पे भी हैं वहाँ के लेके आए, नहीं तो कार्ड प्रेफर करें अपना। मेरा कार्ड एक्चुअली में ब्लॉक कर दिया था मैंने आने से पहले, और दूसरा वाला कार्ड रख दिया था, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी देखते हैं शाम के टाइम पे वापस से आने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं शिप पर। तो गाइस आप जहाज पर वापस आ गए और मिला कुछ भी नहीं यहाँ पर ना, पता है सबसे बेस्ट तो एक मुझे अलकुड़िया का बीच लगा यहाँ पर। बाकी हाँ एक दो चर्चेस इनके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में यहाँ से दूर थे, और ओल्ड टाउन न्यू टाउन ये तीन चार जगह ही थी, कुछ खास नहीं था। शॉपिंग वगैरह भी कुछ यहाँ पे थी नहीं, मॉल्स वगैरह है एक दो, लेकिन वो यहाँ से कुछ 90 या 100 किलोमीटर दूर है, वो मेन सिटी में पड़ जाते हैं स्पेन में जा करके। तो ये इनका कुछ आइलैंड टाइप का है और 60 किलोमीटर का एरिया है, 2000-20000 की पॉपुलेशन है इसकी, 20,000-22,000-25,000 पॉपुलेशन होगी। सड़कों पे बंदे ही नहीं है यार, मतलब कि ना पब्लिक के पास में पैसा ही वो होता है खरीद खरीद के प्रॉपर्टी डाल के, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अपने को नया एक्सपीरियंस मिला, नई चीजें नई जगह देखने को मिलती है, यही है। आपका कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। नमस्कार, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई प्लेस पर नई जगह के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।